में आने के लिए कई जगहों पे लोगों को नोटिसेस भेज भेज के रोका जा रहा है। जोशी जोशी जी, क्या तिरंगा यात्रा में लोगों को आना अपराध है? तो ये जन आशीर्वाद यात्रा तो मुर्दाबाद यात्रा हो गई है बीजेपी की। हर जगह उनकी मुर्दाबाद लग रही है मंत्रियों की, उसके बावजूद वो लोग यात्रा निकाल रहे हैं और हमारी तिरंगा यात्रा को इतना बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, इससे लोग बौखला गए, डरे हुए हैं। तो इसका फैसला उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले दिनों में करेगी और व्यापक तौर पर और बड़े पैमाने पर हम लोग ये यात्राएं आयोजित करेंगे। सभाओं में ये तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। 14 तारीख को जैसा मैंने बताया कि मनीष सिसोदिया जी की एक तिरंगा यात्रा और अयोध्या में है, उसके बाद 403 विधानसभाओं में तिरंगा यात्रा होगी। भारत की आन बान शान तिरंगे के नीचे खड़े होकर हम लोग संकल्प लेंगे कि उत्तर प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे, उत्तर प्रदेश में किसानों को फसल का दाम मिलेगा, गरीब के घर में 300 यूनिट बिजली फ्री की रोशनी होगी, पानी मुफ्त मिलेगा, नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलेगा और नहीं रोजगार दे पाए तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, उत्तर प्रदेश में माताओं बहनों को सुरक्षा मिलेगी, मुफ्त इलाज मिलेगा, मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये सपना हम सब लोग भारत माता की आन बान शान तिरंगे के नीचे खड़े होकर संकल्प लेके पूरा करेंगे और 403 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। तिरंगा यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है। आगरा से निकलते हुए आज ये नोएडा में है, फिर इसके बाद 14 को अयोध्या में निकलेगी और उसके बाद में सभी 403 विधानसभाओं में निकलेगी। और इस तिरंगा संकल्प यात्रा का मकसद हमारा यही है कि इस तिरंगे के नीचे खड़े होके हम सब हिंदुस्तान के लोग, हम सब उत्तर प्रदेश के लोग शपथ लें कि हम इस देश की राजनीति को, इस तिरंगे की आन बान शान को बट्टा नहीं लगाने देंगे। वो राजनीति जो उत्तर प्रदेश की बिजली में चोरी करती है, जो पानी में चोरी करती है, जो शिक्षा में चोरी करती है, जो स्वास्थ्य में चोरी करती है, एक आम आदमी जब अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है तो उसको पढ़ाने के लिए अच्छी शिक्षा नहीं मिलती, तो तिरंगे की आन बान शान कमज़ोर होती है। अगर किसी प्रेग्नेंट वीमेन को सड़क पर दम तोड़ना पड़े तो तिरंगे की आन बान शान में बट्टा लगता है। ये राजनीति जो इसके लिए जिम्मेदार है, इसको उखाड़ के फेंकना है और इस तिरंगे की आन बान शान को ऊपर लाके हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देना, हर व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की सुविधाएं देना, बिजली पानी की सुविधाएं देना, इस संकल्प के साथ में हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।